जय श्री राम। आज देखिए, हम इस तरह का एक एनिमेशन वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर राम जी भगवान बने हुए हैं और जहां जय श्री राम आ रहा है और यहां कुछ लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। इस तरह का एक खूबसूरत सा वीडियो बनाने के लिए आज हम यूज करने वाले पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में यहाँ देखिए, मैंने एक स्लाइड ले लिया, बैकग्राउंड मैंने डाल दिया है। अब मेरे पास एक इमेज है, इमेज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको इमेज को मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ मैंने इमेज पेस्ट की। इमेज को मैंने थोड़ा रिसाइज किया, यानी थोड़ा सा छोटा कर लिया। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इमेज रखना चाहें। और पिक्चर को सेंटर में रखने के लिए आप इसको फॉर्मेटिंग से पिक्चर को आप सेंटर में रख सकते हैं, ये देखिए। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से इंसर्ट पर जा रहे हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ से हम ले रहे हैं ये, आप देखते जाइए। इसमें आपको येलो कलर फिल कर देना है और देन आपको इसकी आउटलाइन में भी येलो कलर फिल कर देना है। और यहाँ से इसे कर रहे हैं हम सेंड टू बैक, ताकि जो हमारी फोटो है वो आगे आ जाए। और ये देखिए, हमारे चक्र हमने पीछे कर दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ हमने जो दिए बनाए हुए हैं उसे बनाने के लिए फिर से हम इंसर्ट में जा रहे हैं। और इंसर्ट से फिर हम शेप का यहाँ यूज करेंगे। शेप का यूज करते हुए दिए बनाएंगे। और यहाँ मैं इसमें ब्राउन कलर कर रही हूँ आउटलाइन में। इसके बाद एक शेप और हम इंसर्ट करना है, ओवल वाली। देन ये देखिए, इस लाइट में मैंने इसे कुछ इस तरीके से किया हुआ है। अब यानी कि मुझे क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है। तो मैं इसके कलर फिल में शेड का यूज करते हुए यहां मैं इसमें ग्रेडियंट पर जा रही हूँ। इसके बाद मोर ग्रेडियंट पर, मैंने इसमें नीचे रेड कलर फिल किया हुआ है। अब इसमें आप एनिमेशन का यूज करेंगे। ओके, टाइमिंग पे जा रहे हैं। यहां से हम इसको कर रहे हैं वेरी स्लो विथ प्रीव्यू एंड ऑफ स्लाइड। ओके, ठीक है। अब मुझे इसे कॉपी कर देना है। अब चलिए हम फटाफट से फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ से यूज किया है ड्रॉप वाला पॉइंट। इसे मैंने कंट्रोल डी कर दिया है। एक बार और कंट्रोल डी। इसके बाद हम इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इसको हम रिसाइज भी करेंगे। पहले हम इसमें एक ग्रेडियंट कलर का यूज कर रहे हैं। अब इस पे एनिमेशन देने की बारी आई। इस तरीके से यहाँ हम चेंज करेंगे। और यहाँ पहले हम इसमें एनिमेशन दे लेते हैं और उसके बाद इसे कलर्स वगैरह हम चेंज करेंगे। यहाँ हम इसमें एनिमेशन पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें दे रहे हैं जूम का एनिमेशन इस तरीके से, और देन इसे हम एक दे रहे हैं एनिमेशन एक और। तो यहाँ से हम एड एनिमेशन पर जा रहे हैं और यहाँ से मोशन पाथ पर जा रहे हैं, और ये हम डाउन वाला इसमें यूज कर रहे हैं। ओके, डन। अब इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट में कर ले रहे हैं और यहाँ से हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए
विद प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया, देन एंड ऑफ स्लाइड कर दे रहे हैं, या हम इसे यहाँ कर रहे हैं 5 टाइम और हमने ये किया ओके। ड्यूरेशन हमने यहाँ दे दिया स्लो, देन अब इसी को हम यहाँ कर रहे हैं डुप्लीकेट कंट्रोल डी का यूज करके। अब इसमें हम यहाँ कलर शेड चेंज कर दे रहे हैं, सेम डुप्लीकेट कर दिया हमने, देन अगेन डुप्लीकेट कर रहे हैं, वो स्लाइड से बाहर जा रहा है, नो इशू। कंट्रोल डी से देखिए आप इसको बहुत इजी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि ये सारे फूलों को उठा के हमें वन बाई वन इधर शिफ्ट कर देना है, ये हमने शिफ्ट किया, और ये अब इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन को थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं, जो एंड पॉइंट को थोड़ा सा हमने यहाँ नीचे करके डायरेक्शन हल्का सा चेंज कर दिया। देन इसके बाद हमने दूसरा वाला फूल उठाया, जस्ट इसी के ऊपर यहाँ रख दिया, और इसको भी हमने पॉइंट एंड पॉइंट ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। और टाइमिंग हम यहाँ से डिले कर रहे हैं इसमें, ऐसा ये आप देखिए इस तरीके से यहाँ हमने सबका टाइम यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, और ये हमारे लास्ट वाला फूल बचा, हम इसको भी उठा के इधर ही रख रहे हैं। देन और यहाँ पे भी हम इसका टाइम चेंज कर रहे हैं, ओके। ये देखिए ठीक, अब हमारे पास बचा बस टेक्स्ट और लिखने को, हम और टेक्स्ट भी टाइप कर लेते हैं। अब टेक्स्ट मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, यदि आपको हिंदी नहीं आता है तो आप आपके सिस्टम में जो है करेक्टर मैप होता है आप उसका यूज कर सकते हैं, और वैसे जरा सा हिंदी का टेक्स्ट है आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कई तरीके हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से यहाँ पर इसमें आप टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे।
यहाँ आप टेक्स्ट अपने हिसाब से छोटा बड़ा फॉन्ट आपको जो भी करना है कर लीजिए। मैं यहाँ फॉन्ट का साइज थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ और मैंने इसे वर्टिकल में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस पर भी हम एक एनिमेशन दे देते हैं टेक्स्ट में। ओके चलिए भाई, अब इसके भी एनिमेशन पैनल पर आ रहे हैं। यहाँ से हमने वही दिया टाइमिंग में, यहाँ से हम सेट कर रहे हैं विथ प्रीव्यू और यहाँ दे रहे हैं हम स्लो, और मैंने यहाँ से साइड सेंटर दिया, वाई लेटर दिया। इसको हमने कंट्रोल डी किया, देन हमारा एनिमेशन तैयार है। देखिए, जय श्री राम। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।